हर हर महादेव। वाग्रथा भी संप्रिक्तो वाग्रता पतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूँ एस्ट्रोकाल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको शनि ग्रह के परिवर्तन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में शनि ग्रह कर्क राशि वालों को क्या परिणाम देने वाले हैं 2025 में, इस पर मैं विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। जो राशि पर बताने जा रहा हूँ चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर चार अंक लिखा हुआ है वो आपकी राशि कर्क राशि है और आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा ही बनते हैं और आपकी राशि से वर्तमान में शनि जो है अष्टम में चल रहे हैं। तो अष्टम में जब शनि चलते हैं तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है अभी, और शनि की ये ढैया जो है जब शनि ग्रह यहाँ से आपके भाग्य में चले जाएंगे, और जब भाग्य में जाने की वो तिथि है, वो तारीख है 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह यहाँ पूरे 2.5 वर्षों यानी 30 महीनों तक यहाँ पर रहेंगे और आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने शनि की ढैया में बहुत तनाव देखा है, बहुत कष्ट देखा है, बहुत परेशानी देखी है। अब शनि जो है आपको उस तनाव से मुक्त करने वाले हैं। शनि उन लोगों को बहुत अच्छा परिणाम देते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, वो थकते नहीं हैं, हारते नहीं हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते हैं, हर समय मेहनत करने पर लगे रहते हैं। जिस प्रकार से आप धीरे 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 धनवान हो जाते हैं, 1 रुपया 2 रुपया इकट्ठा करके 100 रुपया हो जाता है, इसी तरह से ही व्यक्ति जब धीरे धीरे मेहनत करता है तो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है। तो शनि ग्रह उसी तरह परिणाम देते हैं। शनि ग्रह एकदम परिणाम नहीं देते हैं, शनि ग्रह व्यक्ति को देख करके ही परिणाम देते हैं, क्योंकि शनि ग्रह जो है बूढ़े ग्रह है, वृद्ध ग्रह। तो शनि ग्रह जो है यहाँ पर जाने के बाद आपको शनि ढैया से मुक्त कर देंगे और आपने अपना व्यवहार, अपना कर्म बहुत अच्छा रखना है, अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ वाद विवाद नहीं करनी है, सीनियर के साथ वाद विवाद नहीं करना है और धर्म का साथ देना है, क्योंकि ये भाव जो है धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। इस भाव में शनि जाते ही आपके जीवन में पूर्व जन्मों के जो पुण्य हैं और जो आपने वर्तमान में भी जो कर्म अच्छे करे हैं, उन सभी कर्मों का अच्छा फल यहाँ पर शनि देने वाले हैं। अभी शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं तो शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके इस भाव को देखें, ये है कैरियर के भाव, यानी कर्म का भाव है। तो इस भाव पर दृष्टि पड़ने से शनि ग्रह आपके नौकरी को देख रहे थे, शनि आपके व्यवसाय को देख रहे थे, आप जो भी काम करते हैं, आपके घर के अंदर के काम करते हैं या घर के बाहर के काम करते हैं, या आप देश में हैं चाहे आप विदेश में हैं, आप कहीं भी हैं, जो काम भी आप करते हैं उस काम को शनि ग्रह यहाँ से देख रहे हैं। और जिस भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हैं, ये जो है आयु का भवन है, तो यहाँ से आयु का भी विचार किया जाता है, परमानेंट विदेश का भी विचार भी किया जाता है, साधना का, रिसर्च का, शोध का, तंत्र का, गुप्त चीजों का यहाँ से विचार किया जाता है। ये चीजें आपके साथ हो रही थी और साथ में शनि ग्रह जो है सप्तम दृष्टि से वर्तमान में आपके लाभ, जो ये धन भाव है द्वितीय भाव, इस भाव को देख रहे थे सप्तम दृष्टि से। तो ये धन भाव पर भी प्रभाव डाले थे, कुटुंब का भाव भी है ये, और वाणी का भी भाव है, खान पान का भाव है। तो यानी कि आपके वाणी पर, आपके धन पर और आपके परिवार कुटुंब पर सबको देख रहे थे शनि ग्रह, और इस पर भी शनि ग्रह का पूरा प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिला और वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है। और शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके संतान भाव, यानी पंचम भाव जो है ज्ञान भाव भी है, संतान भाव भी है, भावनाओं का भवन भी है, यानी कि आपके संतान पर, आपकी पढ़ाई लिखाई पर और आपकी भावनाओं पर पूरा कब्जा करके रखा था शनि ने। तो जो लोग सोच विचार करके काम कर रहे थे, मेहनत निरंतर कर रहे थे,
तो उनके लिए बच्चों के लिए भी पढ़ाई लिखाई के लिए शनि ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि अभ्यक्ति को एकदम शनि ऐसा नहीं देते हैं कि व्यक्ति एकदम सुपर पावर बन जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं, धीरे धीरे व्यक्ति को सुपर पावर बनाते हैं। और जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं उनकी दृष्टि जब शनि की यहाँ पर रहती है तो व्यक्ति को बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन पहले गति को बहुत कम रखते हैं शनि। जो पढ़ने पर लगातार मेहनत करता है उसको ऐसा ज्ञान नहीं देते हैं कि पेपर में जा करके बच्चा जो है परीक्षा में जा करके सब भूल जाए, ऐसा ज्ञान नहीं देते हैं शनि ग्रह। ऐसा ज्ञान देते हैं अंदर का ज्ञान, जो आत्मविश्वास का ज्ञान देते हैं। अगर परीक्षा में जाएगा, अगर उसको याद है तो बिल्कुल ऐसा ही जैसे उसने याद किया, जैसे उसने पढ़ाई की है वैसे के वैसे वो लिख करके आता है। तो परीक्षाओं की दृष्टि से, परिणाम की दृष्टि से भी शनि यहाँ पर अच्छा ही माना जाता है। जो शनि की दृष्टि है वो बहुत अच्छी मानी जाती है विद्यार्थियों के लिए, संतान के लिए भी। शनि जाते जाते आपको संतान सुख भी देंगे और कुछ करियर में बदलाव कर राशि वालों का होने वाला है, और नौकरी में, व्यवसाय में और धन धान्य की दृष्टि से भी शनि बड़ा बदलाव करने वाले हैं। कुटुंब में भी विवाद जो होंगे, तनाव जो होंगे, कोर्ट कचहरी के जो भी मामले होंगे, विवादित जो भी मामले होंगे, उन पर आपके कर्क राशि वालों की अब राहत आने वाली है। मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, रोग, जितनी भी बीमारियां हैं कि यहाँ से आयु का, स्वास्थ्य का भी विचार किया जाता है, तो इस चीजों से आपको राहत मिलेगी। अब शनि ग्रह जब यहाँ चले जाएंगे तो आपके लिए बड़ी बात होगी। मार्च के बाद जब शनि आपको ढैया मुक्त करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। पहले तो पूर्व जन्म के जितने पुण्य होंगे उदय हो जाएंगे और आपके भाग्य से सब काम बनने लग जाएंगे। जैसे थोड़ा मेहनत करो, व्यक्ति ये चाहता कि थोड़ा मेहनत करूं और परिणाम उसमें जो है अच्छा रहे, 100% परिणाम रहे, तो उसके लिए शनि ने यहाँ पर जाकर के आपके 100% परिणाम भाग्य का साथ मिलेगा। और पूर्व जन्मों के जो पुण्य होंगे, आप जो पिता के पुण्य होंगे, दादा के पुण्य होंगे, कुटुंब के पुण्य होंगे, अच्छे काम होंगे, वो आपका साथ देंगे और ऐसी गुप्त शक्ति आपका बचाव करेगी, आपको आत्मविश्वास देगी कि आपके जो है जितने भी मुसीबतें हैं उनसे मुक्त करेगी। साथ में पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी है, वो स्वास्थ्य की परेशानियां दूर होंगी। शनि यहाँ से जो है बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हैं, यहाँ से भाग्य से शनि जो है इस भाव को, जो ये लाभ भाव है, इस भाव को देखते हैं। तो लाभ भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी शनि की तो यानी कि ये इस भाव में भी पापा ग्रह अच्छा फल देते हैं, इस भाव में भी पापा ग्रह अच्छा फल देते हैं, इस भाव में भी पापा ग्रह अच्छा फल देते हैं और इस भाव में भी पापा ग्रह अच्छा फल देते हैं। इसका मतलब है शनि यहाँ पे बैठ के भी बढ़िया परिणाम देंगे। शनि की जो दृष्टि है ये भी अच्छी होगी, ये भी अच्छी होगी और ये भी अच्छी होने वाली है। तीसरी दृष्टि यहाँ देखेंगे, सातवीं से यहाँ देखेंगे और दसम दृष्टि यहाँ देखेंगे। तो क्या बदलाव है देख लीजिए। सबसे बड़ा बदलाव तो है उन्नति का बदलाव। उन्नति कर्क राशि वालों को 2025 में शनि ग्रह देने वाले हैं, क्योंकि शनि ग्रह जो है आपको जिन भावों के मालिक बनते हैं ना, उन भावों जो सप्तम है और अष्टम भाव है, ये जो है व्यक्ति को कष्ट देने वाले, यानी इनको मार्केश भाव भी कहा जाता है। तो इन भावों के मालिक हैं, तो अभी तक जो परेशानियां आए हैं, बहुत तनाव रहा, चिड़चिड़ापन रहा, उलझने रहें, पारिवारिक उलझने रहें या दाम्पत्य जीवन में उलझने रहें, इन सभी उलझनों से आप मुक्त होंगे और उन्नति की सीढ़ियों पर आप चढ़ेंगे। व्यापार में भी लाभ और साथ में आपके जो नौकरी है वहां पर उन्नति, नई नौकरी का मिलना, नए लोगों का मिलना, नए मित्रों का मिलना, नए सहयोगियों का मिलना और नई कंपनियों में आपका काम करना, विदेश यात्राएं करना, विदेश से अच्छा जाकर के उन्नति करना, क्योंकि ये जो भाव है ये भी इस भाव से भी विदेश जाने का विचार किया जाता है। तो शनि जो है आपको विदेश ले भी जाएंगे और उन्नति की सीढ़ी आप चढ़ेंगे। व्यापार में भी नया बदलाव आपका आएगा, नए चेंजिंग आएंगे और नए लोगों के साथ आपकी डील होगी, नए उद्योगपति जो मिलेंगे आपको, जो पुराने उद्योगपति आपको परेशान कर रहे थे वो कहीं ना कहीं दरकिनार होंगे और नए उद्योगपति आपको मिलने वाले हैं। साथ में पारिवारिक कलेश जितने भी हैं कर्क राशि वालों के, चाहे बड़े भाई के साथ है या अन्य लोगों के साथ हैं, वो तनाव आपके दूर होंगे, उन तनावों से मुक्त होंगे, मानसिक तनाव से मुक्त होंगे। साथ में आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। सिर्फ आपने कर्क राशि वाले बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, उन्होंने आलस
को छोड़ना है। अगर वो आलस में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हर समय आलस्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो परिणाम मैं बता रहा हूँ, ये परिणाम भी आपको ऐसे ही निकल जाएगा, ये इसका परिणाम। इसलिए आपने आलस्य नहीं करना है, क्योंकि पराक्रम भाव को शनि देख रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी वृद्धि होगी तो आप नया काम भी खोल सकते हैं, नवीनता आपके अंदर आएगी, नई तरह से आप नई शुरुआत करेंगे, जीवन की नई शुरुआत करेंगे। साथ में आपके सहयोग से आपका लाभ मिलने वाला है, थोड़ा प्रयत्न करने पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, तो इतनी बड़ी बात होने वाली है। आपके बड़े भाई छोटे भाई से भी आपको लाभ होने वाला है। साथ में यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी दशम, तो ये जो भाव है, जितने भी विवादित है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है, विवाद संबंधित परेशानी है, पैसा आपको कहीं से मिल नहीं पा रहा था, आप लगातार प्रयत्न कर रहे थे धन संपदा के लिए, कि कहीं से कर्जा मिल जाए, लोन मिल जाए मुझे, मैं कारोबार के लिए लोन लूं या पैसा लूं, उससे काम करूं, तो ये पैसा मिलने का पूरा ही आपको योग बना हुआ है। जितने भी विवाद होंगे, कोई आपका शत्रु है वो आपको लगातार परेशान कर रहा है, चाहे ऑफिस में कर रहा है, चाहे वो कारोबार में कर रहा है, तो वो शत्रु आपसे दूर हो जाएगा, शनि उसको दूर करेंगे और आपको हर क्षेत्र में विजय मिलने का योग बनता है। ये उत्तम शनि का जो है बड़ा परिवर्तन आपके लिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप काफी समय से, क्यों सप्तम के शनि भी इतना अच्छा परिणाम देते हैं, लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं जो शनि ने आपको तो परेशान करके रखा है। अब शनि जो है आपके भाग्य में आए, अब धीरे धीरे शनि जो बढ़ते जाएंगे वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, 2025 में आपके लिए बड़ा उत्तम है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भी आपके अभी वर्तमान में भाग्य, ये इस भाव में चले, लाभ भाव में चल रहे हैं, कि भाग्य से और लाभ भाव में चल रहे हैं, तो ये परिणाम भी आपके लिए बहुत उत्तम है। और साथ में राहु का परिवर्तन आपके अष्टम में होगा, तो इसलिए आपने अपनी बातों को देखिए, कर्क राशि वाले जितने अपनी बातों को किसी को बताएंगे उतनी उन्नति में परेशानी होगी। अपने धन के बारे में किसी को नहीं बताना है, अपने रणनीतियों के बारे में किसी को नहीं बताना है। जब आपके काम पूरे हो जाएं, उस काम के पूरे होने के बाद भी आपने बिल्कुल भी इस तरह नम्र रहिए कि आपको कुछ मिला ही नहीं, सामने वाले को लगे कि भाई तरक्की तो कर रहा है, लेकिन देखिए इसका गुण देखिए, ये हर समय नम्र रहता है ये व्यक्ति, तो ये नम्रता आपकी जो है सबसे बड़ा अस्त्र है। कर्क राशि वालों, नम्र रहे आप उन्नति करेंगे। अब आपको मैं उपाय बताता हूँ शनि के जो है दुष्परिणामों से बचने, जो अगर परेशानियां हो रही हैं आपकी कुंडलियों में, अच्छे योग नहीं है शनि के, आपके शनि की महादशा चल रही है, कहीं ना कहीं सही अच्छे भावों में नहीं बैठे हुए हैं, तो लगातार आप परेशान हैं, उसके लिए शनि के लिए आपने हर सोमवार को, हर शनिवार को अगर कर सकते हैं तो भगवान शंकर का अभिषेक करें, दूध से और तिल से आप भगवान शंकर का अभिषेक करें। एक दिन आप पंडित जी महीने में एक बार पंडित जी से रुद्राभिषेक करवा दें। साथ में आप हनुमान जी के दर्शन आप मंगलवार को भी करें, क्योंकि आपके जो है ना मंगल आपको ताकत देते हैं, कर्म के मालिक और साथ में आपके ज्ञान के मालिक मंगल हैं, तो मंगलवार के दिन में हनुमान चालीसा का पढ़ना, हनुमान जी के दर्शन करना, देवताओं के, सभी देवताओं के दर्शन करना, साथ में शनिवार को भी हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पढ़ना, अपने ऊपर से उतारा करना, यानी कि अपने ऊपर से तेल की छाया उतारा करना, साथ में काली दाल का दान देना, ये उपाय आप शनिवार को करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा और अपने जीवन में अच्छा फल लेने के लिए, क्योंकि आपके भाग्येश जो हैं बृहस्पति बनते हैं, विष्णु जी की उपासना और हनुमान जी की उपासना और माता रानी की उपासना, क्योंकि राशि की जो है कर्क है, माता रानी की उपासना, मंगल की उपासना और विष्णु की उपासना, लक्ष्मी नारायण की उपासना निरंतर करने से, सूर्य को अर्घ देने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां होंगी, तनाव होंगे, वो दूर होंगे और आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके जीवन में चमत्कार होगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।